संवत 2080 विक्रमी माघ शुक्ल अष्टमी तदनुसार 17 फरवरी शनिवार को प्रातः 9 बजे से शंकराचार्य घाट पर शंकराचार्य गंगा सेवा न्यास के तत्वावधान में गठित सार्वभौम गंगा सेवा अभियानम की ओर से गणतंत्र तिथि महोत्सव के शुभ अवसर पर गंगा तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भारतीय तिथि के अनुसार सैकड़ों की संख्या में उपस्थित संतों, भक्तों और वैदिक विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस मनाया। गंगा तिरंगा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वामी अखंडानंद जी महाराज के दंडी सन्यासी शिष्य स्वामी प्रज्ञानानंद महाराज ने कहा कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्मियों को वैदिक व भारतीय परंपरा संस्कृति के अनुसार अपना हर त्यौहार व पर्व मनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं ताकि सनातन धर्मी अपनी जड़ से जुड़े रहें। महोत्सव का प्रारंभ गणेश पूजन ध्वज पूजन से हुआ जिसके अनंतर ध्वजारोहण राष्ट्रगान राष्ट्र नदी गंगा गान वैदिक राष्ट्र मंत्र विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र ध्वज नमन पथ संचलन अतिथियों द्वारा आशीर्वचन राष्ट्रगीत आदि कार्यक्रम संपन्न हुआ। गंगा तिरंगा महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित वेदांताचार्य श्री भगवान दास जी महाराज ने किया जो समाज अपने परंपरा व संस्कृति से जुड़कर नहीं चलता उसका विनाश हो जाता है। शंकराचार्य जी महाराज के नास्तिक ब्रह्मचारी शिष्य परमात्मानंद जी ने कहा कि शास्त्र में कहीं भी अलग से भारत माता का वर्णन नहीं आता है। भारत माता कौन है, कैसे दिखती है, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। वास्तव में गौ माता ही भारत माता है। गौ कटती रहे और हम भारत माता की जय करें और गणतंत्र दिवस मनाए यह उचित नहीं है। गौ माता के बिना भारत और सनातन धर्म की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। गंगा तिरंगा महोत्सव का संचालन करते हुए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने कहा कि महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों के पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़कर राष्ट्र को आजाद कराया। अगर हम उन्हीं अंग्रेजों की अंग्रेजी तिथि के अनुसार अपना त्यौहार व पर्व मनाएंगे तो सच्चे अर्थों में हम खुद को आजाद नहीं कह सकते। गंगा तिरंगा महोत्सव में आगंतुकों को महोत्सव के प्रभारी ब्रह्मचारी परमानंद जी ने आभार ज्ञापित किया व सभी लोगों को शंकराचार्य महाराज का शुभाशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी कामना की। गंगा तिरंगा महोत्सव की अध्यक्षता साध्वी पुणाम्बा ने किया। हम लोगों ने भारत का तिरंगा फहराया और ये संकल्पना परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी आज से नहीं पिछले अनेकों वर्षों से हम लोगों को ये सिखाए हैं कि भारत में भारत की तिथियों को प्रमुखता देना चाहिए। आप देखिए कि कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर दो कैलेंडर चलता हो, भारत ही है। तो ये यहाँ पर ऐसी विडंबना है कि व्यक्ति अपना जीवन दो कैलेंडर से संचालित कर रहा है। रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग हिंदी तिथि से मनाते हैं और जब राष्ट्रीय पर्व आता है तो अंग्रेजी तिथि से मनाते हैं।